हेलो दोस्तों, आपका फ्यूचर एंड इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम जानेंगे रिबॉलिंग करने की एक छोटी सी ट्रिक, जिसके द्वारा आपको काफ़ी आसानी रहेगी रिबॉलिंग करने में। ये हमारे पास एक सीपीयू है जिसे हमें रिबॉल करना है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज कुशवाहा। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सीख कर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से पंकज कुशवाहा ऐप। और न्यू ईयर की वजह से इसमें आपको मिल रहा है 30% का डिस्काउंट, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके एक बार चेक करिए और ऐप डाउनलोड करिए। देखिए, मैं भी आपको दिखा देता हूँ इसकी सारी बॉल्स, ठीक है। ये देखिए, भी आप देख रहे हो इसके ऊपर कुछ बॉल्स इसकी ब्लैक हैं। तो पहले हम इसको सही करेंगे। इसको सही करने के लिए हम लोग इस ब्रश का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारा, इसको बोलते हैं स्टील ब्रश। इससे आप क्लीनिंग कर सकते हो। इससे हमारी ब्लैक बॉल्स के ऊपर एक छोटे छोटे निशान आ जाएंगे, जिससे आपको आसानी रहेगी रिबॉलिंग करने में, ठीक है। क्योंकि कुछ बॉल्स बनती हैं, कुछ बॉल्स नहीं बनती हैं, उसका कारण यही है, ठीक है। ये हो गया। अब आपको इसके ऊपर एक रोजिन की लेयर लगानी है, जिससे आपको अच्छा रहेगा रिबॉलिंग करने में। लोगों के हाथ हिल जाते हैं, या जैसे कह सकते हैं कि आप स्टेंसिल को सही से बैठाने के बाद जैसे ही आप पीपीडी उस पर लगाते हो तो हाथ हिल जाता है, उसमें आसानी रहेगी। ये देखिए, रोजिन की लेयर आ गई है। अब इसको एक बार थोड़ा सा मेल्ट कर देंगे, जिससे कि हम स्टेंसिल रखें तो सही से दिखाई दे। ये रोजिन हमारा मेल्ट हो गया है। अब इसके ऊपर स्टेंसिल को बैठाएंगे। उसके पहले स्टेंसिल को क्लीन कर लें अच्छे से, स्टेंसिल में कोई भी बॉल फंसी ना रहे, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रिबॉलिंग करने में। देखिए, अब इसके ऊपर हम लोग स्टेंसिल को एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने स्टेंसिल इसके ऊपर एडजस्ट करी। स्टेंसिल एडजस्ट करने के बाद आप इसके ऊपर एक बार दोबारा हीट करेंगे, जिससे होगा ये कि हमारा जो भी रोजिन लगा हुआ है वो मेल्ट हो जाएगा और आपकी स्टेंसिल वहाँ पर स्टेबल रहेगी। ये देखिए, ये हमारी आईसी रोजिन की वजह से इसमें स्टेबल हो गई है। अब आपको रिवॉल्विंग करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे टेक्नीशियन भाई ऐसे हैं कि इसके पीछे टेप लगाते हैं, ठीक है, लेकिन टेप लगाने के टाइम पे एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए इस ट्रिक से अगर आप करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। चलिए रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व करने के लिए नीचे एक टिश्यू पेपर रखिए, उसके बाद स्टेंसिल और पेपर, ठीक है। रोजिन को अच्छे से सुखा लीजिए, जिससे कि आपको रिवॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, इसको हम लोग पीपीटी लगा लेते हैं अच्छे से, हल्के हाथों से। चलिए दोस्तों, अब इसको रिबॉल करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी आईसी रिबॉल हो चुकी है। अभी मैं इसको क्लीन करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे रिबॉल हुई है। देखिए दोस्तों, हमारे ऐसे रिबॉल हो गई है। अब इसको आइए फिनिशिंग देते हैं। फिनिशिंग देने के लिए थोड़ा सा फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे। ये दोस्तों, हमारी ऐसी रिबॉल हो चुकी है। अगर आप इस टेक्निक से रिबॉल करेंगे तो आपकी रिबॉलिंग बहुत अच्छी होगी। थैंक यू। और अगर आप घर बैठे ऑनलाइन रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर पंकज कुशवाहा ऐप को डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।